उपचुनाव में 3 में से 2 सीटों में जीत के बाद विधायक हरीश जनार्था ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर को जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास पहले भी 40 सीटें थी और अभी भी 40 सीटें हैं। उन्होंने भाजपा से सवाल पूछते हुए कहा कि उन्होंने क्या कमाया है। लगभग 4 महीने से उन्होंने पूरे प्रदेश के सारे कामों को रोक कर रखा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मन में ये बात रखी है कि सरकार गिरने वाली है, जो संभव नहीं है। ये एक अच्छा संकेत है और मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और सरकार को कि हमारी दोनों सीटें यहाँ पे आई है और हमें उम्मीद थी कि हम इन तीनों सीटों को जीतेंगे, पर किसी कारणवश एक सीट हमीरपुर की कांग्रेस नहीं ले पाई। पर लेकिन दोनों देरा और नालागढ़ के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। जी नहीं, वो अब एक्चुअली वो एक उनको एक आदत सी बन गई है बोलने की, शुरू से लेकर बोलते रहे हैं। तो हमने तो मेरे ख्याल में पहले भी 40 थे और अभी भी हम 40 हो गए। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी से कि आपने क्या कमाया है इसमें, जो इतना सारा तमाशा हुआ है और आपने लगभग पिछले 4 महीने से पूरे स्टेट के सारे काम खड़े करके रखे हैं, क्योंकि ड्यू टू इलेक्शन कोड काम भी खड़े हुए, पैसा भी वेस्ट हुआ, क्या कमाया आपने इसमें? हम यही पूछना चाहते हैं बीजेपी से। और किस मतलब कैलकुलेशन के साथ आप बोलते हैं कि सरकार गिरने वाली है? वो एक उनके ज़ुबान पे एक बात बैठ चुकी है कि सरकार गिरने वाली है, गिरने वाली, और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं है, चाहे डेवलपमेंट का हो या आप कोई अचीवमेंट जो हमारी गवर्नमेंट ने 1.5 साल में किए, उन मुद्दों को टच नहीं कर रहे हैं। पर लेकिन सिर्फ एक ही मुद्दा उनके पास है कि सरकार गिर रही है। पहले भी मजबूत थी, पहले भी 40 थे और आज भी हम 40 हैं। ये एक्चुअली जो पब्लिक होती है और जो हिमाचल की हमारी जनता है, उन्होंने जवाब दे दिया इस चीज़ का। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।